तो सीजी ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट जिन्होंने दोस्तों अभी 2022 का अपना ऑफलाइन एग्जाम दिया है दोस्तों, उनके रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया गया दोस्तों कि आपका रिजल्ट कब आएंगे और आपकी उत्तर पुस्तिका कहाँ चेक हो रही है और आपकी उत्तर पुस्तिका जो आपने लिखा है उसमें कैसे नंबर दिए जा रहे हैं, कितने नंबर दिए जा रहे हैं। सारा अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ओपन बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल की ओपन बोर्ड की परीक्षा समाप्त मूल्यांकन 8 से 20 पर केंद्रों में जैसेंगी कॉपियाँ, कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस बार दोस्तों जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन जो होगा आपके केंद्रों में हो रहा है, जहाँ पर जो सीजी बोर्ड के द्वारा जहाँ सेंटर बनाए गए हैं वहाँ ही आपकी उत्तर पुस्तिका चेक हो रही है। ठीक है, अब ये सेंटर कहाँ लगे है एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गोपनीय होती है, इसको गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राज्य ओपन बोर्ड या सीजी ओपन बोर्ड द्वारा दोस्तों कोशिश की जा रही है कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले अर्थात 15 जून तक दोनों ही कक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएं। गौरतलब है कि दोस्तों कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के जो रिजल्ट होते हैं वो एक ही दिन एक ही टाइम ही दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसको क्या किया जाता है अनाउंस किया जाता है। ठीक है, और इस बार दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं डिस्प्ले में यहाँ पर 1,15,000 मतलब 1,16,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं। और भी बताता हूँ आपको अपडेट्स जहाँ पर आपके उत्तर पुस्तिका कैसे चेक हो रही है, कैसे नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं रायपुर न्यूज़ लिखा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड या ओपन स्कूल का जो रिजल्ट है दोस्तों कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का वो बहुत ही जल्द आने वाला है। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर बता दें तो कापियों का जो मूल्यांकन है वो पूरा हो चुका है और साथ ही दोस्तों जून के फर्स्ट वीक में आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दोस्तों इस बार जो है आपके परीक्षा जो आपके सेंटर्स बनाए गए हैं सीजी बोर्ड के द्वारा है ना उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए, वहीं आपकी उत्तर पुस्तिका चेक हो रही है और एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता है कि उत्तर पुस्तिका कहाँ चेक हो रही है। ठीक है, बट सेंटर में ही चेक हो रही है। तो कापियों में दोस्तों स्टेप यहाँ पर स्टेप टू स्टेप नंबर मिलेगा, मतलब कि दोस्तों अब सीजी बोर्ड में पहले ऐसा होता था कि आप जितनी बड़ी थ्योरी लिखते उतना बड़ा नंबर मिलता था, लेकिन इस साल से दोस्तों सीजी बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें दोस्तों आपको स्टेप वाइज जैसा जैसा आप नंबर लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर दिया जाएगा। तो अगर आपने स्टेप वाइज अगर लिखा होगा आंसर्स तो बिल्कुल आपको 100% आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, कम लिखे हैं थ्योरी में तब भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन वो आपका स्टेप वाइज होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर यही अपडेट्स देने थे मेरे को दोस्तों कि स्टेप वाइज जो आंसर लिखे हैं उनको अच्छा नंबर मिलने वाला है और लगभग दोस्तों 1 लाख छात्र 1,15,000-20,000 के आसपास ही स्टूडेंट्स इस साल ओपन बोर्ड में हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।